नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर स्पेशल पोस्टें और बहुत सारी पोस्टें इस पर वीडियो आपको मिला होगा। आज से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो है एग्रीकल्चर के ऊपर। मैं आपको बता दूँ, यूपी पीएससी द्वारा 2015 में ये जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्रीकल्चर से, और 2012 में 2011 में। तो देखो, उनकी पूछने की प्रकृति क्या है, मैं आपको बता दूं। एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सीधे पूछे जाते हैं, बहुत सारे जो है कूट कथन में दिए जाते हैं। मैं कूट और कथन वाले भी कराऊंगा, और इन पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं कम से कम हर पेपर 1991 से लेकर अब तक जितने पेपर यूपीपीएससी द्वारा कराए गए हैं, सब में जो 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 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको आपको मैं बताऊंगा। तो इसको लिखते जाना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। निम्न में कौन एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं था? इसमें तिलहन नहीं था, बासी था, चावल गेहूं डाले था, ठीक। निम्न में कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? सुअर नहीं पचा पाता है, रेशे को सुअर नहीं पचा पाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और गांठ वाली को घोड़ा नहीं पचा पाता है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा जो ये बरेली में है, कहाँ पर? बरेली में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सुमेलित करो। विटीकल्चर अंगूर, वेजिकल्चर मच्छों की कृषि, पिसीकल्चर मछली, ओलोरिकल्चर सब्जी की खेती। एक कूट वाला जरूर दे देते हैं, और जो देंगे वो कूट वाले तो आप आसानी से जो है कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कम से कम आपके जो 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके सीधे ही मिलेंगे, बिल्कुल देख लेना, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल हरियाणा में हुई, 1923 में हुई थी। ये पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों नहीं है खरीफ की फसल, सरसों नहीं है, कपास, मक्का, मूंगफली है। भारत के निम्न राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? देखो, तंबाकू कृषि के क्षेत्र सबसे बृहत्तम क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, गुजरात दूसरे पर है, कर्नाटक तीसरे पर है। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो मूंग और उड़द, ये दो फसलें हैं जो सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं। ये 2011 यूपीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ब्लैक हार्ट जैसे रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं आलू में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, 1948 में जो है घोषित की गई थी, ठीक है। 230 पृष्ठों, ठीक है, की जो है एग्रीकल्चर की जो नोट्स बना के तैयार किया गया है, जो नोट्स है, बुक है, वो इस समय आपको 450 की पीडीएफ दी जा रही है, और 600 रुपये में जो है आपके घर जो है भेजी जा रही है, 600 रुपये में आपके घर, और 230 प्रश्नों की पीडीएफ 450 रुपये में जो है मिल रही है। ये जो है 80 क्वेश्चनों के लिए बहुत है, 80 क्वेश्चनों के लिए ये पीडीएफ, ये नोट्स जो है बहुत है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर क्षेत्र से क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर के, आप उन क्षेत्रों से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको ले सकते हैं। आप अगर इस पीडीएफ को चाहिए तो आप इस पे, या नोट्स घर पे मंगाना है तो 7379823368 पे कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।